तो छत्तीसगढ़ में जो है सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023, इनको पता नहीं, आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है 3000 वैकेंसी जो है 3000 पदों पर आपके जो है भर्ती होने वाला है। जी हाँ, तो जो भी स्टूडेंट जो सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा में जॉब करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा में आखिरकार कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और ये भर्ती परीक्षा जो है कब होगा, किस तरह से होगा, आवेदन कब से करना शुरू होगा, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, तो छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा का कट ऑफ 2023 कितना जाने वाला है, कितने नंबर लाने पर इसमें आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, सभी जानकारी जो है हर एक वीडियो जो है हर एक जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट जो है मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर आप वीडियोस को लास्ट तक देखोगे तो जरूर जानकारी मिल पाएगा। तो 3000 वैकेंसीज 3000 पोस्ट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार भर्ती हैं। जी हाँ, आज तक जो है छत्तीसगढ़ में पहली कभी भी जो है 3000 वैकेंसीज 3000 भर्ती जो है निकल कर नहीं आए, यह पहली बार है। जिसमें आपको बताना चाहता हूँ, क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका 12वीं पास है। जी हाँ, आप 12वीं पास हैं, आप सहकारिता विभाग के 3000 भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल हो, आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, रोजगार पंजीयन। जी हाँ, रोजगार पंजीयन जो है अवश्य रूप से करा लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो रोजगार पंजीयन नहीं करा लेते हैं, और जिनका रिन्यूअल का अगर डेट आ चुका है तो आप जो है रिन्यूअल भी करा सकते हैं। तो 12वीं पास बस आपका होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा में सैलरी जो है काफ़ी अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा खासा सैलरी आपको इसमें मिल जाएगा। सैलरी की बात किया जाए तो इसमें 15000 रुपये से लेकर जो है आपको जो सैलरी मिलेगा वो 40000 रुपये तक आपको जो है प्रत्येक माह जो है सैलरी मिलेगा, और धीरे धीरे करके ये सैलरी भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जिस तरह से मंडी निरीक्षक होते हैं उसी तरह से आपके सहकारिता विभाग में ये भर्ती परीक्षा, ये भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है आप इसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतने ही ज़्यादा सक्सेस, उतनी ही ज़्यादा शोहरत, उतनी ही ज़्यादा बुलंदी, उतनी ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको काम करना ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मेहनत करना, हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करेंगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेस्ट होगा। सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा कि सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है किस तरह से होता है, किस तरह से आपको तैयारी करना है कि आप जो है छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 3000 पोस्ट में अगर हम बात करें, जिसमें 1700 पोस्ट है समिति प्रबंधक के होंगे, 2058 पोस्ट आपके हर एक पांच समितियों में जो है एक सुपरवाइज़र का पोस्ट होने वाला है। तो ये पोस्ट हर एक महीने में जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपको प्रिपरेशंस करने की, खुद के ऊपर काम करने की, खुद के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव कीजिए अपने आप के ऊपर, ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, देन सभी चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। मैं तो एक चीज़ ही बोलना चाहता हूँ और एक ही चीज़ सत्य है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ जो है पॉसिबल है। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो चिंगारी होना चाहिए, देन आज नहीं तो कल वो कामयाबी मिलेगी ज़रूर। वक्त लगता है, क्योंकि बड़ी सफलता पाने के लिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कामयाबी कहीं जाने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी ज़रूर। बस उस कामयाबी के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, हमें प्रिपरेशंस करना है, और जितना ज़्यादा हो सके आप प्रिपरेशंस करोगे, मेहनत करोगे, सफलताएँ भी आप जो है उतनी ही ले पाओगे। तो सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कुल टोटल 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होंगे, और इसके साथ 1/4 जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है, और निगेटिव मार्किंग से जितना ज़्यादा बच के रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से सबसे अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेस्ट होगा। तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण तैयारी करने के लिए आपको कॉम्पिटिशन अकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक आपको लेना है, जिससे कि आपके छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा, और आप जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि बिना छत्तीसगढ़ के नॉलेज के, बिना सीजी जीके के,
मुझे नहीं लगता कि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को सर्वाइव कर पाओगे, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता जितना कि आपको अगर नॉलेज नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स ये जो मुख्य चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक होना चाहिए। आपको एक मैगज़ीन बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर्स के लिए, विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स। तो दोनों से आप जो है विकास परक का जो मासिक पत्रिका आता है मैगज़ीन, उसे आपको पढ़ते रहना है। उसमें जो है हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी टू द पॉइंट जो है दिया रहता है। मंथली मैगजीन जो रिलीज़ होता है, अराउंड उसके प्राइस की अगर हम बात करें तो सिर्फ 25 से 30 रुपये में आपको जो है मिल जाएगा। बहुत ही उतना तो आपका समोसा का भी खर्च होता है, बस एक प्लेट समोसा के प्राइस में आपको उतने अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। इसलिए नॉलेज इज़ अ किंग, कंसिस्टेंसी इज़ अ किंग। किसी भी चीज़ में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, रेगुलरिटी, कोई भी सक्सेस हो, कोई भी कामयाबी हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करने की आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली जो है आपकी ज़िंदगी बदलेगी जरूर, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी जरूर। क्योंकि कामयाबी ना बार बार मेहनत करने से, बार बार हार्ड वर्क करने से मिलती है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार हम एक बार मेहनत करेंगे या एक बार काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगा या हमें सफलता मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको बार बार काम करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको जो है मिल पाएगा। इसलिए परिश्रम, हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद के काम के ऊपर जो है भरोसा करो, बिलीव करो, जेन्युइन रहो। तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता है और उतनी ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। तो आपको कोई, अगर इस दुनिया में अगर पूरे लोग, सभी लोग बोले ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरी बस का बात नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपने आप पर जो है भरोसा होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। तो अराउंड जो है छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस प्रिपरेशन अच्छे से करना, बस मेहनत अच्छे से करना, हार्ड वर्क अच्छे से करना। अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, तो आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी ज़रूर। बस उस कामयाबी को पाने के लिए हमें काम करना, बस उस कामयाबी के लिए हमें मेहनत करते रहना, और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा सक्सेस और उतनी ज़्यादा सफलताएँ आपको मिल पाएगा। सो कुछ देर की खामोशी है, कानों में फिर शोर होगा, तुम्हारा तो वक्त है, मेरा तो दौर होगा। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। अगर वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी जो है, महत्वपूर्ण वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। बस जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर क्वेरीज हो, तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तक वीडियोस नहीं पहुँच पाता। प्लीज़ शेयर कीजिए।